नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल आज हम सीबीएसई क्लास इलेवंथ का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम और आज हम इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड द कॉफिशियंट ऑफ एक्स की पावर फाइव इन द प्रोडक्ट वन प्लस टू एक्स की पावर सिक्स इंटू में वन माइनस एक्स की पावर सेवन यूजिंग बायनोमियल थ्योरम आपको क्या करना है कि ये जो आपको दो यहाँ पे टर्म गिवन है इनका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है और उसके बाद बताना है कि इनका प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्स की पावर फाइव का क्या कॉफिशियंट आएगा यूजिंग बायनोमियल थ्योरम तो इसका आंसर देखते हैं ये दोनों जो हमारे पास टर्म है हम इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी होल पावर गिवन है जब तक हम इनको होल पावर को पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर नहीं लिखते हैं तब तक हम इनको मल्टीप्लाई यानी कि इनका प्रोडक्ट नहीं कर सकते तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे एक्स की पावर फाइव का कॉफिशियंट क्या है तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इन दोनों को पूरे टर्म के अंदर एक्सपेंड करना पड़ेगा तो करते हैं उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि हमको किस तरह एक्सपेंड करना है तो एक जनरल टर्म होती है जिससे कि हम एक्सपेंड करते हैं जिसे हम बायनॉमिल थ्योरम कहते हैं तो यहाँ लिखते हैं वी नो दैट अब हमें पता है कि अगर हमें a प्लस बी की पावर को एक्सपेंड करना है अगर हमें a प्लस बी की पावर n को एक्सपेंड करना है तो हम कैसे करते हैं n कम्बिनेशन जीरो a की पावर n, b की पावर ज़ीरो प्लस में n कम्बिनेशन वन a की पावर कितनी आती है n माइनस वन और b की पावर वन प्लस में ये तब तक चलता है जब तक यहाँ पे n कम्बिनेशन n, a की पावर जीरो ना आ जाए और b की पावर एन आ जाए तब तक हमें ये करना होता है ठीक है अब हमें करना क्या है कि जो इक्वेशन नंबर वन है इसका यूज करके आपको इन दोनों को एक्सपेंड करना है तो सबसे पहले हम वन प्लस टू एक्स की पावर सिक्स को एक्सपेंड करेंगे ये किस फॉर्म में ए प्लस बी की पावर सिक्स के फॉर्म में है, तो पहले हम इसकी जनरल टर्म निकाल लेंगे फिर उसके अंदर ए और बी की जगह ए की जगह हम पुट कर देंगे वन और बी की जगह पुट कर देंगे टू एक्स और यहाँ पे एन की जगह हम पुट कर देंगे सिक्स ये जो एन होता है इसकी जगह सिक्स पुट कर देंगे जो हम ऑलरेडी लेके चलेंगे ठीक है तो करते हैं तो अगर हमें a प्लस बी की पावर सिक्स को एक्सपेंड करना है तो हम कैसे करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे सिक्स कम्बिनेशन जीरो ए की पावर सिक्स बी की पावर जीरो प्लस में सिक्स कम्बिनेशन वन ए की पावर फाइव बी की पावर वन ठीक है प्लस में सिक्स कम्बिनेशन टू ए की पावर फोर बी की पावर टू प्लस में सिक्स कम्बीशन थ्री ए की पावर थ्री बी की पावर थ्री प्लस में सिक्स कम्बिनेशन फोर ए की पावर टू बी की पावर फोर प्लस में सिक्स कम्बिनेशन फाइव ए की पावर वन बी की पावर फाइव प्लस में सिक्स कम्बिनेशन सिक्स ए की पावर जीरो और बी की पावर सिक्स ठीक है आपने इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख दिया है अब आपको करना क्या है कि ये जो हमारे पास कम्बिनेशन वाली टर्म्स है ये जो आपको कम्बिनेशन वाली टर्म्स दिख रही हैं आपको इनको और एक्सपेंड करना है कैसे एक्सपेंड करोगे ये एन कम्बिनेशन आर के फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल इसका यूज़ करके आपको इसको एक्सपेंड करना है जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तब आपके पास ए प्लस सिक्स की पावर क्या आएगा आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए की पावर सिक्स प्लस में सिक्स ए की पावर फाइव बी प्लस में फिफ्टीन ए की पावर फोर बी स्क्वायर प्लस में ट्वेंटी ए क्यूब बी क्यूब प्लस में फिफ्टीन ए की पावर टू बी की पावर फोर प्लस में सिक्स ए बी की पावर फाइव प्लस में बी की पावर सिक्स आपके पास ये वैल्यू आएगी ठीक है अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है आपको करना क्या है कि ये जो आपके पास एक इक्वेशन एक एक आ गई है आपको इसके अंदर ए की जगह क्या करना है वन पुट करना है बी की जगह आपको टू एक्स पुट कर देना है या आप इक्वेशन नंबर सेकेंड का नाम दे दो पुट ए इज इक्वल्स टू वन एंड बी इज इक्वल टू टू एक्स इन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू के अंदर आपको ए की जगह वन पुट करना है बी की जगह टू एक्स पुट करना है तो आपके पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी ए की जगह वन प्लस में बी की जगह टू एक्स इसकी पावर सिक्स हमें यही चाहिए था ए की पावर सिक्स यानी कि वन की पावर सिक्स प्लस में सिक्स इंटू ए की पावर फाइव यानी कि वन की पावर फाइव इंटू में बी यानी कि इंटू में टू एक्स प्लस में फिफ्टीन ए की पावर फोर यानी कि वन की पावर फोर इंटू में बी स्क्वायर यानी कि इंटू में टू एक्स की पावर टू प्लस में ट्वेंटी इंटू ए क्यूब यानी कि ट्वेंटी इंटू ए का क्यूब इंटू में बी का क्यूब यानी कि टू एक्स की पावर थ्री प्लस में फिफ्टीन इंटू ए स्क्वायर यानी कि फिफ्टीन इंटू वन की पावर टू इंटू में बी की पावर फोर यानी कि इंटू में टू एक्स की पावर फोर प्लस में सिक्स इंटू ए यानी कि सिक्स इंटू वन बी की पावर फाइव यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा ये हो जाएगा टू एक्स की पावर फाइव प्लस में बी की पावर सिक्स यानी कि टू एक्स की पावर सिक्स ठीक है अब हमने सारी वैल्यूज लिख दी हैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपके पास वन प्लस टू एक्स की पावर सिक्स की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देती हूँ मैं आपके पास वैल्यू आएगी वन प्लस में ट्वेल्व एक्स प्लस में सिक्सटी एक्स स्क्वायर प्लस में वन सिक्सटी एक्स क्यूब प्लस में टू हंड्रेड फोर्टी एक्स की पावर फोर प्लस में वन नाइन्टी की पावर 5 प्लस में सिक्सटी फोर की पावर 6 ठीक है अब आप क्या करो इसको ऐसे बॉक्स के अंदर बंद कर लो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है आपके पास ये आ गया अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी ये जो एक्सपेंडेशन है a प्लस बी की पावर n का ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका यूज़ कर कर अब आपको क्या करना है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म तो हमने लिख लिया अब आपको वन माइनस एक्स की पावर सेवन का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं अब आपको किस चीज़ का एक्सपेंडेड फॉर्म चाहिए वन माइनस एक्स की पावर सेवन का चाहिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस में बी की पावर सेवन अब हम क्या करेंगे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है हम क्या करेंगे a प्लस बी की पावर सेवन इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कर देंगे और बाद में हम क्या करेंगे कि a की जगह हम वन पुट कर देंगे और हम b की जगह माइनस पुट कर देंगे ठीक है तो a की बात हो जाएगी यहाँ पे माइनस सेम्बल आ जाएगा तो हम क्या करेंगे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे तो अब हम यहाँ पे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे कैसे लिखेंगे सेवन कम्बिनेशन जीरो ए की पावर सेवन बी की पावर जीरो प्लस में सेवन कम्बिनेशन वन ए की पावर सिक्स बी की पावर वन प्लस में सेवन कम्बिनेशन टू ए की पावर फाइव बी स्क्वायर प्लस में सेवन कम्बिनेशन थ्री ए की पावर फोर बी क्यूब प्लस में सेवन कम्बिनेशन फोर ए की पावर थ्री बी की पावर फोर प्लस में सेवन कम्बिनेशन फाइव ए की पावर टू बी की पावर फाइव प्लस में सेवन कम्बिनेशन सिक्स ए की पावर वन बी की पावर सिक्स प्लस में सेवन कम्बिनेशन सेवन ए की पावर जीरो और बी की पावर सेवन आपके पास पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया है अब आपको क्या करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर थ्री आई आप इसको इक्वेशन नंबर थ्री का नाम दे दो अब ये जो इक्वेशन नंबर थ्री आई है आप इसके अंदर करना क्या है कि पुट ए इज इक्वल्स टू आपको ए की जगह यहाँ पे वन लिख देना है और बी की जगह माइनस एक्स पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर थ्री इस इक्वेशन नंबर थ्री के अंदर एक की जगह वन पुट करोगे और बी की जगह माइनस एक्स पुट करोगे तब आपके पास वन माइनस में एक्स की पावर सेवन की एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी ठीक है ऐसा करने से आपके पास क्या आ जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी उसको हम लिख देते हैं कि वो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या आएगी उससे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली पुट नहीं करना है इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू आएगी ये जो इक्वेशन नंबर थ्री आप इसके अंदर डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं वरना आप क्या करेंगे सबसे पहले ए प्लस बी की पावर सेवन को लिख देंगे कि यहाँ पे क्या आएगी ये जो हमारे पास कम्बिनेशन वाली टर्म्स हैं आपको क्या करना है इसको एक्सपेंड करना है एन कम्बिनेशन आर का फॉर्मूला लगा के ऐसा करने पर आपके पास ए प्लस बी की पावर सेवन की क्या वैल्यू आएगी ए की पावर सेवन प्लस में सेवन ए की पावर सिक्स बी की पावर वन प्लस में ट्वेंटी वन ए की पावर फाइव बी स्क्वायर प्लस में थर्टी फाइव ए की पावर फोर बी क्यूब प्लस में थर्टी फाइव ए क्यूब बी की पावर फोर प्लस में ट्वेंटी वन ए स्क्वायर बी की पावर फाइव प्लस में सेवन ए बी की पावर सिक्स प्लस में बी की पावर सेवन ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड है दोनों इक्वेशन नंबर थर्ड कह सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है तो आपको करना क्या है कि ये वाली क्वेश्चन के अंदर नहीं पुट करना है आपको ये वाली क्वेश्चन के अंदर एक ही जगह वन पुट करना है और बी की जगह माइनस एक्स पुट करना है ताकि हमारे पास वन माइनस एक्स की पावर सेवन का एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाए तो करते हैं तो जब हम, हम यहाँ पे एक की जगह वन और बी की जगह माइनस पुट करेंगे तब आपके पास वन माइनस एक्स की पावर सेवन की एक्सपेंडेड फॉर्म आएगी वन माइनस में सेवन एक्स प्लस में ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर माइनस में थर्टी फाइव एक्स क्यूब प्लस में थर्टी फाइव एक्स की पावर फोर माइनस में ट्वेंटी वन एक्स की पावर फाइव प्लस में सेवन एक्स की पावर सिक्स माइनस में एक्स की पावर सेवन अब आपके पास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको भी आप बॉक्स के अंदर बंद कर लो अब ये जो दो बॉक्स वाली चीज आई है एक बार जो पहले बंद करवाई थी और एक बार जो अभी करवाई है हमें करना क्या था हमें क्वेश्चन के अंदर कहा था कि जो आपके पास वन माइनस एक्स की पावर सेवन है और साथ ही में आपको एक और जो हमारे पास टर्म गिवन है आपको क्या करना है कि दोनों को क्या करना है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे वन प्लस टू एक्स की पावर सिक्स और वन माइनस एक्स की पावर सिक्स को तो जहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आएगा इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट आएगा इसके अंदर जो एक्स की पावर फाइव का कॉफिशियंट है आपको ये फाइंड करना है आपने दोनों की वैल्यूज को फाइंड कर लिया है अब करना क्या आपको इन दोनों का यूज करके आपको एक्स की पावर फाइव का क्या फाइंड करना है कॉफिशियंट फाइंड करना है तो यहाँ पे मैंने दोनों की वैल्यूज लिख दिए है ये हमारे वन प्लस एक्स की पावर सिक्स की वैल्यू आई थी और ये हमारी वन माइनस एक्स की पावर सेवन की वैल्यू आई थी अब आपको करना क्या है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके बताने की यहाँ पे एक्स की पावर फाइव का क्या कॉफिशियंट होगा तो हमने किया क्या देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कोई एक्स प्रेजेंट नहीं है यानी कि यहाँ पे एक्स की पावर जीरो यहाँ पे हमारे पास है उसके बाद यहाँ अकेला है यानी कि x की पावर वन है फिर एस स्क्वायर एक्स क्यूब है एक्स की पावर फोर की की है एक्स की पावर फाइव एक्स की पावर सिक्स है यहाँ जैसे लिख दिया x की पावर जीरो इन में एक्स की पावर फाइव यहाँ पे सेम बेस है तो पावर ऐड होती है यानी कि जीरो प्लस में फाइव फाइव वन प्लस में फोर फाइव हो गया टू प्लस में थ्री फाइव थ्री प्लस में टू फाइव फोर प्लस में वन फाइव फाइव प्लस में जीरो फाइव तो हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे यहाँ पे एक्स की पावर जीरो जो फर्स्ट हमारे पास टर्म है इसके अंदर एक्स की पावर जीरो के साथ वाला है क्या है वन है तो यहाँ वन लिख दिया इंटू में एक्स की पावर फाइव के साथ में क्या यहाँ पे सेकंड वाले में एक्स की पावर फाइव के साथ में अगर आप देखते हैं तो माइनस में ट्वेंटी वन इंटू एक्स की पावर फाइव है तो यहाँ पे इसको लिख दिया तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी और इसी तरह हमने यहाँ पे जो जो इंडिकेट की हुई हमारे पास जो टर्म है हमने उन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे एक्स की पावर फाइव आ गई है अब इन सबको कॉफिशियंट हमने यहाँ पे लिखा अब ये जो का कॉफिशियंट आया ये जो सारी चीजें हमारे पास आई है सारे कॉफिशेंट ऑफ एक्स की पावर फाइव अब करना क्या है कि इन सबको एड कर देना इन सबको एड करेंगे तो हमारे पास वन सेवनटी वन वैल्यू आएगी अब ये जो वन सेवेंटी वन आया ये क्या कॉफिशेंट ऑफ की पावर फाइव इन द गिवन प्रोडक्ट मतलब ये जो गिवन प्रोडक्ट हमने किया है इसके अंदर जो की पावर फाइव है उसका वन हंड्रेड सेवेंटी वन है यानी कि वन हंड्रेड सेवन सेवेंटी वन क्या है इसका आंसर है अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे इफ ए एंड बी आर डिस्टिंग इंटीजर ए और बी अलग अलग इंटीजर्स हैं प्रूफ दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए की पावर एन माइनस में बी की पावर एन आपको प्रूफ करना है कि जो ए माइनस बी है वो फैक्टर है ए की पावर एन माइनस में बी की पावर एन का जहाँ पे जो एन है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है इस क्वेश्चन के अंदर आपको बुक ने एक हिंट गिवन है आपको हिंट दी हुई है कि आपको क्या करना है जो ए की पावर एन है उसे इस तरह से लिखना है ए माइनस बी प्लस में बी की पावर एन बी और बी कैंसिल हो जाएंगे कि यानी पावर ही आएगा यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और और उसके बाद इसको एक्सपेंड करना है तो तो हम यही तरीका यूज़ करेंगे करेंगे आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व तो इसका आंसर देखते हैं मतलब यह हुआ कि जो टू है वो ट्वेंटी का क्या फैक्टर है देयर फोर टू इज अ फैक्टर ऑफ ट्वेंटी राइट इसलिए जो टू है वो क्या है फैक्टर है ट्वेंटी का इसका मतलब हम ट्वेंटी को ऐसे लिख सकते हैं टू इन में टेन इसका मतलब आपने इसको टू के फॉर्म में लिखा जहाँ पे के क्या है टेन है ठीक है उसी तरह आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ए माइनस बी है ये क्या है इज अ फैक्टर ऑफ़ आपको प्रूफ करना है ये ए की पावर एन माइनस में बी की पावर एन का फैक्टर है इसका मतलब ये हुआ कि जो ए की पावर एन माइनस में बी की पावर एन है आप इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी के जहाँ पे जो के है ये पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को उसको इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको इस तरह लिखना है ए की पावर एन माइनस में बी की पावर एन को ए माइनस बी में के ठीक है तो लिखते हैं देखो हमें पता है कि जो a प्लस बी की पावर n होती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं n कम्बिनेशन जीरो a की पावर n b की पावर जीरो प्लस में एन कम्बिनेशन वन ए की पावर एन माइनस वन बी की पावर वन टू कहाँ तक लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं एन कम्बिनेशन एन ए की पावर जीरो बी की पावर एन तक लिख सकते हैं हम क्या करेंगे जो ए की पावर एन है इसको लिख लेंगे हम ए माइनस बी प्लस में बी के फॉर्म में इसको ऐसे लिख दिया अब आप क्या करोगे ये देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं b प्लस में ये हो जाएगा a माइनस में b की पावर n अब यहाँ पे क्या करेंगे हम अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो ए की जगह b है और b की जगह a माइनस में b है ठीक है आपको करना क्या है कि आपको हमारे पास जो ये जो हमारे पास एक टर्म होती है इस तरह आपको क्या करना है इसके अंदर आपको a की जगह b पुट कर देना है b की जगह a माइनस b पुट कर देना है तो ये जो हमारे पास एक स्टेटमेंट है ये कैसी बन जाएगी एन कम्बिनेशन जीरो बी की पावर एन प्लस में एन कम्बिनेशन वन बी की पावर एन माइनस वन इंटू में ए माइनस बी प्लस में एन कम्बिनेशन टू बी की पावर एन माइनस टू इंटू ए माइनस बी स्क्वायर ये चलता रहेगा कहाँ तक एन कम्बिनेशन एन ए माइनस बी की पावर एन तक ये चलता रहेगा ठीक है, है अब आपको इसको सॉल्व करना है ये बस ठीक है अब उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा तो अब ये जो चल रहा है हमारे किसके इक्वल चल रहा है ये हमारे किसके इक्वल चल रहा है a माइनस बी प्लस में b की पावर n के इक्वल चल रहा है और ये है क्या चीज़ ये है ए की पावर एन यानी कि आप ए की पावर एन के इक्वल ये लिख सकते हैं तो ए की पावर एन के इक्वल क्या चल रहा है इसको सॉल्व कर देंगे तो ये जो आपके पास कम्बिनेशन वाली टर्म्स हैं उनको आप एन कम्बिनेशन आर के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे एन फैक्टोरियल डिवाइड में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल ठीक है ऐसे सॉल्व करोगे आप तो ये क्या बन जाएगा वो हम डायरेक्टली लिख देते हैं उससे पहले हम क्या करेंगे जो एन कम्बिनेशन जीरो है हमें पता है ये वन होता है तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे वन इन b की पावर n प्लस में n कम्बिनेशन वन b की पावर n माइनस वन इंटू में a माइनस में b प्लस में n कम्बिनेशन टू b की पावर n माइनस टू और इंटू में a माइनस बी का स्क्वायर प्लस में अप टू कहाँ तक चलेगा ये वन इंटू ए माइनस में b की पावर n तक ठीक है अब आपको करना क्या है इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे वन इंटू बी की पावर एन ठीक है देखो आप चाहो तो ये जो कम्बिनेशन वाले टर्म है आप इनको सॉल्व भी कर सकते हो लेकिन आप इनको बिना सॉल्व किए भी पूरे आंसर को निकाल सकते हो मैं आपको दिखा देती हूँ बिना इसको सॉल्व किए किस तरह आंसर निकालना है तो देखो इसको यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया एन कम्बिनेशन जीरो को वन लिख दिया अभी क्या हो जाएगा बी की पावर एन प्लस में एन कम्बिनेशन वन बी की पावर एन माइनस वन इंटू में ए माइनस में बी प्लस में एन कम्बिनेशन टू बी की पावर एन माइनस में टू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में अब टू कहाँ तक वन इन टू यानी कि ए माइनस में बी की पावर एन अब आपको करना क्या है कि जो बी की पावर एन है इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ए की पावर एन माइनस में बी की पावर एन अब इस साइड क्या आ जाएगा एन कम्बिनेशन वन बी की पावर एन माइनस वन इंटू में ए माइनस में बी प्लस में एन कम्बिनेशन टू बी की पावर एन माइनस में टू इंटू में ए माइनस बी स्क्वायर प्लस में अप टू कहाँ तक ए माइनस में बी की पावर एन तक अब आपको करना क्या है कि जो राइट हैंड साइड है आपको क्या करना है इसमें से आपको ए माइनस में बी को कॉमन ले लेना है तो ये जाएगा ए की पावर एन माइनस में बी की पावर एन यहाँ पे अगर आप a माइनस में b को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा n कॉम्बिनेशन वन b की पावर n माइनस वन प्लस में n कम्बिनेशन टू यहाँ पे बचेगा b की पावर n माइनस में टू यहाँ दो है तो एक उधर चला गया यानी कि a माइनस में b की पावर वन और यहाँ पे भी a माइनस में b यहाँ पे n था इसमें से एक चला गया यानी कि n माइनस में वन ही आपके पास बचेगा अब ये जो है ये किस फॉर्म में है ये पूरा का पूरा क्या है ये k की वैल्यू और ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को यानी कि आपने यहाँ पे लिख दिया a माइनस में यहाँ पे पूरे में माइनस है बी की पावर एन इज इक्वल्स टू ए माइनस में बी के ठीक है जहाँ पे के क्या है ये वैल्यू है के के और के बिलोंग करें नेचुरल नंबर को यानी कि आपने इसको इस तरह से लिख दिया इसका मतलब ये हुआ कि आपने शो कर दिया है कि यहाँ पे ए माइनस बी क्या है फैक्टर है हमारे ए की पावर एन माइनस में बी की पावर एन का ठीक है मैं आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा धन्यवाद